शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईसरी विश्वविद्यालय की ओर से सभी को इस रक्षाबंधन के पावन पुण्य पर्व पर हार्दिक बधाई हो।
बधाई हो, बधाई हो। अभी हमारे मध्य हमारे सम्माननीय विशिष्ट भ्राता पचौरी जी, सांसद जी आ चुके हैं, विधायक जी भी आप पहुंच चुके हैं, जिनका बेसब्री के साथ इंतजार चल रहा था। सभी एक बार बहुत फीलिंग से जोरदार ताड़ियों से सम्मान करेंगे। ओम शांति, सब बोलिए एक बार बड़े प्यार से ओम शांति। जगत नियंता की अद्भुत रचना, हमारे सम्माननीय मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट कहें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जी, नाम लेना थोड़ा शोभा नहीं दे रहा है, सांसद जी एवं राजयोगी कहें विधायक जी एवं राजयोगी राम बहादुर भाई जी, और हमारे बीच विधि राजपाल जी बैठे हैं, साथ में डॉक्टर मंजू गुप्ता, जो मंच की पुष्प गुच्छों की तरह शोभा बढ़ा रही है। साथ में हमारी सभा में उपस्थित हमारे अति प्रिय भाई बहने एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, आज का दिन विशेष विशेष दिन है, क्योंकि ये भाई बहनों का बहुत पावन पर्व है। और इस जैसे ही रक्षाबंधन का ये पवित्र पर्व आता है, वैसे ही शिव पिता परमात्मा की स्मृति तरोताजा हो जाती है। कैसे हम आत्माओं को आकर के रक्षा का सूत्र हर एक की कलाई में आकर बांधते हैं स्वयं, क्योंकि भारत एक आध्यात्म और अलौकिक प्रधान देश है। यहाँ पर आध्यात्मिकता की रश्मियाँ छिपी हुई हैं। तो भारत देश में मनाए जाते हैं, उतने पर्व किसी भी देश में नहीं मनाए जाते हैं। अगर हम इन पर्वों की आध्यात्मिकता को समझते होते, चाहे वो होली है, रक्षाबंधन है या दीपावली है, कहते 365 दिन में शायद 365 ही पर्व मनाए जाते हैं, तो आज हम सभी आत्माओं का आत्मस्मृति का दीपक जग गया होता। और जो संसार में इतने अत्याचार, कहें दुराचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, ये सब कुछ क्या हो गए होते, बंद हो गए होते, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको बहुत अंदर से बहुत गहरी शिक्षाएं देती है। ये त्यौहार बहुत कुछ हमें सिखाते और सिखा के चले जाते हैं, एक वर्ष के लिए पुनः फिर दूसरे वर्ष में आ जाते हैं, और हम लोग ऐसे ही पर्वों को सरल ढंग से मना लेते हैं। इनकी स्पिरिचुअलिटी को हम नहीं जानते हैं। अगर आज समझ गए होते तो भारत बहुत शिष्टाचारी बन गया होता, भारत यही स्वर्ग होता। आज भारत में देवी देवताओं की नगरी होती जो कल थी। तो आज हम थोड़ा आपको बताएंगे रक्षा प्लस बंधन। बंधन में आज कोई भी बंधना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन का नाम सुनते हैं, इसमें सब बंधना चाहते हैं और इतने हर्षित होते हैं, इतने खुश होते हैं। पर्व के आने से ही 4-6-8-10 दिन से भाई बहन या पूरे परिवार के लोग खुशियां मनाने लगते हैं। में हम बंधना चाहते हैं, लेकिन अभी 15 अगस्त मनाया, कहते भारत आजाद हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या वाकई भारत स्वतंत्र हुआ? आज हम कितने बंधनों में जकड़े हुए हैं। अगर बंधन का अर्थ समझते होते तो शायद हम सभी बंधनों से मुक्त हो गए होते। हमारे राष्ट्रपिता बापूजी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, आजाद कराया, लेकिन आज क्या भारत आजाद हुआ? फिर पुनः 5000 वर्ष के बाद इस विश्व पिता, विश्व रक्षक, स्वयं सृष्टि का रचयिता, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं निराकार स्वयंभू इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। ये भी बापूजी हैं सभी के बेहद के। और ये जब बापूजी आ जाते हैं तो सारे बंधनों से हमें
मुक्त करके निर्बंधन बना देते हैं। आज हम कितने बंधन में जकड़े हैं। जब हम भाइयों को राखी बांधते हैं तो हम कहते हैं, भाई साहब आप ये 2 इंच की जो सिगरेट है ये मुझे दे दीजिए, कहते पर ये सिगरेट है पाउच नहीं देंगे। हम कहते भाई साहब हमको यही चाहिए, परमात्मा यही ले रहा है। आप इसी बंधन में जकड़े हुए हैं, आप इसको छोड़ दीजिए तो छूट जाए। कहते इसको हम नहीं छोड़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और सोचते हैं ये पुड़िया पाउच गांजा भांग चरस पता नहीं कितने व्यसनों में लिप्त हो चुके हैं। तो क्या विचार करें कि हम स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, भारत को आजाद अधिकारों में इतना फंसे हुए हैं कि रास्ते चलते आज नारियों की इज्जत लुट रही है, आज छोटी छोटी कन्याओं का क्या काम कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूट के बच्चियों की और उन्हें जान से खत्म कर रहे हैं। यही भारत था, यही भारत की संस्कृति थी, यही भारत की सभ्यता थी जो आज ऐसा पतन भारत का दिखाई दे रहा है। तो विचार करने की बात है, सिर्फ राखी बंधन का पर्व मना लेने की बात नहीं है, ये तो हमें बहुत एकता भाईचारे आत्मीयता हमें बहुत शांति का पाठ पढ़ाता है, बहुत प्यार का पाठ पढ़ाता है। लेकिन ये पाठ काश हम सारे भारतवासी पढ़ लिए होते तो आज संसार से जो ये हालत है जिसके लिए हम गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। कोई नहीं बदला है, अगर बदला है तो इंसान बदला है। और आज फिर से पुनः परमात्मा आकर के हम इंसानों को बदलने के लिए आए हैं कि अपनी प्रकृति को चेंज कर लो, तुम एक आत्मा हो और उस परम पिता परमात्मा की संतान हो और इस सृष्टि पर कर क्या रहे हो। तो कितने बंधनों में हम जकड़ गए हैं, बुराइयों में, विकारों में, विकृतियों में इतना जकड़े हैं, कहाँ से भारत आजाद हुआ। और छोड़ो तो आज मन के भी हम क्या हैं, अधीन हो चुके हैं, मन के बंधन में भी हम बन चुके हैं। तो आज इसी कारण संसार में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है कि अगर इसी तरीके से गति रहेगी एक साल के अंदर ये सदी डिप्रेशन की सदी बन जाएगी और कुछ नहीं होगा। अगर हम परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, अगर हम भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय नहीं करेंगे, सामंजस्य नहीं करेंगे, तो ये हम सब मानसिक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जबकि ये संसार लोगों को हमें पीड़ित पग देने वाला था, आज विदेश लोग भी भारत की संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं। और मुझे कुछ आपको देखना होगा कि रक्षा और बंधन मैं थोड़ा साथ कर देती हूँ। रक्षा माना परमात्मा के द्वारा ही रक्षा हो सकती है। आज रोटी ने भी पुकारा, सभी को पुकारा, संबंधियों को पुकारा, पर उसकी लाज की रक्षा कोई नहीं कर सका। जब उसने कृष्ण को पुकारा, भगवान आकर मेरी रक्षा करो, तो परमात्मा आकर के उन्होंने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। तो रक्षा करने वाला बहन बहुत छोटी है, भाई बड़ा है, भाई विदेश में है, बहन देश में है, कैसे रक्षा हो सकती है। तो कौन सी रक्षा, परमात्मा पिता आकर के हमें कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और योगी बनो। अगर पवित्र बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे, तो आत्मरक्षा हम स्वयं कर सकते हैं और औरों की भी रक्षा कर सकते हैं। और बंधन कौन सा है जिसके लिए हम बहुत खुश होते हैं, ये बंधन है ईश्वरीय बंधन, प्यार का बंधन। ये बंधन हमें संबंध में बनाता है और दूसरा का बंधन हमें प्रकृति में बनाता है, वो बना रहता है और इसे सारा संसार दुखी और तनाव संबंधों में ग्रस्त करते हैं। अगर हम परमात्मा के सफाई में आते हैं तो हमें सब प्रकरण से ही मुक्ति कर देगा, विकारों से, मैल से, व्यसनों से। और ये जो संकट हमारे है, जो कलह है, ये हमारे पति पत्नी से, ये हमारे आर्थिक संबंध है, ये हमारे स्नेही संबंध है, वहाँ पर बन जाएंगे। आप एक बार प्रभु की शरण में आ जाओ।